गेन टू लर्न वृद्धिमान। तो आज हम करने वाले हैं मराठों का इतिहास, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, यहाँ से संबंधित सभी प्रश्न जो है आज हम इस वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे और जो कि आपका हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, सवाई जयसिंह द्वारा जो यज्ञ करवाया गया उसके पुरोहित कौन थे? तो ये लास्ट वीडियो जो आपने देखा था सवाई जयसिंह से संबंधित, तो वहाँ एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया था, तो इसे आप नोट कर लें। सवाई जयसिंह द्वारा जो यज्ञ करवाया गया था उसके पुरोहित कौन थे? तो आंसर है पुंडरीक रत्नाकर, और सवाई जयसिंह ही थे जो कि अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, छत्रपति शिवाजी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? यहाँ से शिवाजी से रिलेटेड सभी प्रश्न शामिल हैं। तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के माता पिता का नाम था, पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। क्वेश्चन फोर, शिवाजी का लालन पालन किसके संरक्षण में हुआ? शिवाजी का लालन पालन दादाजी कौरदेव तथा जीजाबाई और गुरु रामदास की देखरेख में हुआ, क्योंकि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले उन्होंने दो शादियां की थी, तो जो जीजाबाई थी वो उनके साथ नहीं रहती थी, तो शिवाजी का लालन पालन जो है वो दादाजी कौरदेव, जीजाबाई जो उनकी माँ थी और गुरु रामदास की देखरेख में हुआ था। नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन, किस आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पुणे की जागीर प्राप्त की? तो इसका आंसर है 12 वर्ष की अल्पायु में ही शिवाजी ने अपने पिता से पुणे की जागीर प्राप्त की, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसमें शिवाजी ने अफजल खां की मृत्यु हत्या कर दी थी। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन एट है, 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा? 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा शाइस्ता खां को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नाइन, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? तो इसका आंसर है शिवाजी ने सूरत को लूटा 1664 ईस्वी में और एक दोबारा जब लूटा 1670 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है इसको कि शिवाजी ने सूरत को लूटा एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेन, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो हमने पहले सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था, वो अलग है और मिर्जा राजा जयसिंह अलग है। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि में शिवाजी ने जो 35 दुर्ग जीत लिए थे उन दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे, और शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार भी बनाया गया। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी और 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 11, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पर चलेंगे, शिवाजी ने अपना पुनः राज्य अभिषेक कब करवाया था? तो जब 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी को पूना की जागीर प्राप्त हुई थी तब उनका राज्य अभिषेक हुआ था। उसके बाद दोबारा राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में करवाया था, और उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्य कहाँ तक फैला था? तो मराठा साम्राज्य जो है वह
बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक फैला हुआ था, यानी पश्चिमी जो कर्नाटक है पूरा वहां तक फैला हुआ था, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो शिवाजी से संबंधित सभी प्रश्न हो चुके हैं। अब हम विजयनगर साम्राज्य की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हरिहर तथा बुक्का के गुरु का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम था गुरु विद्यारण्य, गुरु विद्यारण्य। वर्तमान में विजयनगर की पहचान किन स्थल खंडरों से की जाती है जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को में शामिल किया गया है? ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में विजयनगर की पहचान जो है वो हम्पी नामक स्थल के जो खंडर हैं वहां से की जाती है। तो बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है हम्पी स्थल की, तो वहां के जो खंडर हैं वो दिखाए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहां देख भी सकते हो। तो वहां से वर्तमान में विजयनगर की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है, हरिहर का राज्यारोहण कब हुआ? हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 18, हरिहर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई जो बुक्का था वो बना 1346 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, हरिहर बुक्का ने अपने साम्राज्य विजयनगर को कहाँ तक फैलाया? तो इन्होंने अपने साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को, रामेश्वर, तमिल और चेर प्रदेश तक व मैसूर, बनारा, तिरुचनापल्ली, कांजीवरम तक सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य को फैलाया था। बुक्का का पुत्र देवराय द्वितीय, इसे कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि प्राप्त थी, जिसका अर्थ है हाथियों का शिकारी। नेक्स्ट है, इटली के यात्री और फारस के कौन से दूत ने विजयनगर का भ्रमण किया था? देखिए, ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा विदेशी यात्री कब आया था, क्योंकि मैंने देखी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब उठाया तो उसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, एक तो 2011 में और 2015 में। ठीक है, तो याद रखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। इटली के यात्री निकालो कोंटी और फारस का दूत अब्दुल रज्जाक। ठीक है, इटली का यात्री निकालो कोंटी और फारस का दूत अब्दुल रज्जाक, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। हरिहर द्वितीय किसका उपासक था? हरिहर द्वितीय किसका उपासक था? तो वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हरिहर बुक्का से स्टार्ट होता है विजयनगर साम्राज्य, उन्होंने नींव रखी थी, उसके बाद अंतिम शासक जो है वो मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। ठीक है, याद रखना है, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24, बहमनी साम्राज्य का आरंभ दक्षिण में किसने किया? बहमनी साम्राज्य का आरंभ दक्षिण में मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन ने किया 1347 ईस्वी में। ठीक है, हसन जिसको जफर शाह भी बोलते थे। हसन ने कौन सा खिताब धारण किया था? हसन ने कौन सा खिताब धारण किया था जो मोहम्मद तुगलक का एक अधिकारी था? तो इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया था, अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन ने अपनी राजधानी किसे बनाई? हसन ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो हसन ने दक्षिण में अपनी राजधानी बनाई कुलबर्ग को। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कुलबर्ग से बीदर को किसने बनाया? ठीक है, कुलबर्ग तो हसन ने बनाई थी, जो कि मोहम्मद तुगलक का अधिकारी था, जिसने अलाउद्दीन बहमन शाह इसका खिताब भी धारण किया था। तो इसके बाद जो नौवा सुल्तान था अहमद, इसने राजधानी कुलबर्ग से बीदर को बनाया। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कुलबर्ग से बीदर बनाने वाला था नौवा सुल्तान अहमद।
किसके राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बने थे? इसका आंसर है आखिरी, सुल्तान महमूद। तो सुल्तान महमूद के काल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य हो गए थे, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण किसने किया? बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण किसने किया? इसका आंसर है रूसी व्यापारी एथानासियस निकिटन ने। तो हमने पहले पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य का जो भ्रमण है वो करने आए थे इटली के दूत और फारस के दूत, और बहमनी राज्य का 4 सालों तक भ्रमण करने वाले थे रूसी व्यापारी एथानासियस निकिटन।